हाँ गाइस, मैं अभी निकल चुका हूँ पुरी से और अभी छत्तीसगढ़ के लिए जा रहा हूँ। मुझे लगता है एक हफ्ता लगेगा रायपुर पहुँचने में, और काफ़ी अच्छा था यार, मिस करूँगा पुरी को। लेकिन कोई नहीं, अभी बहुत सारा और भी सी बीचेस आएंगे, वहाँ मस्ती करेंगे। अभी निकल पड़े हैं, देखते हैं, शायद 7 दिन लगेगा। हाँ तो यार, कल तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। जो मोहन दीदा थे, मुझे बड़ी मस्त रहने दिए, कोइंसिडेंस बड़ी अच्छा हो गया था। उनके पास गए और वो जमशेदपुर के निकले, ऊपर से सारे उनको मतलब वो जगह पता है जहाँ पर हम लोग सब रहते हैं। तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा खेत इलाका है, पीछे जो आप देख रहे पक्का मकान, तो उसी में थे कल। और कल कुछ दे नहीं पाए हम वीडियो, बहुत थक गए थे। और अभी आज जा रहे हैं सर रसूल पहुँचेंगे। चलिए देखते हैं कितने देर में कंप्लीट होता है। हाँ तो गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने अभी एलिफेंट रिज़र्व एरिया पार किया। यहाँ पर रसूल जाते वक्त यहाँ पर एलिफेंट रिज़र्व आप देख सकते हो, वो पीछे लिखा हुआ, ये एक्चुअली मैंने पार कर लिया। और कुछ दिखा नहीं, बोले कि यहाँ का जो लोकल से बोलते हैं वो लोग निकलता नहीं है, निकलता भी तो शाम को निकलता है। खैर, अगर दिखता तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं दिखा। चलो ठीक है, चलो निकलते हैं तब आगे। हेलो गाइज, अभी तो मैं रसोल में पहुंच गया हूं, और रसोल में PWD बंगलो है, वहां पर मैं स्टे कर रहा हूं। काफ़ी मतलब अच्छा रूम मिला है, आप देख सकते हैं, सोफ़ा वोफा भी लगा रखा है, तो अच्छा रूम मिला है, मतलब रूम सेपरेट रूम, बाथरूम भी मिला है। तो थैंक यू द PWD रसोल। सो आज फिर मैं यहाँ रुकूँगा और मैं कल फिर निकलूँगा सुबह 7 बजे। गाइस, पोइंडा तो मैं नहीं पहुंचा, उससे थोड़ा आगे पहुंच गया हूं, मैं बता रहा हूं आपको। मैं पहले तो आपको जगह दिखा दे रहा हूं, एक हॉल है, वहां पर एक फोल्डेड बेड मिला है। यहां पर भी एक भाई सोएंगे मेरे साथ, और भी 3-4 जने आएंगे सोएंगे मेरे साथ। सबसे पहले कि मैं यहां पर पोइंडा पुलिस स्टेशन में आया था, और वहां पर जाके मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मुझे आप बता दीजिए यहां पर IB कहां पर, गवर्नमेंट IB। तो बोला गवर्नमेंट IB टूट गया, हटो हटो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है। तो उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही ख़राब था। तो मैंने सोचा यार, इतना अच्छा काम करे, सब अच्छा बिहेव करे, आप ऐसा क्यों करो। मैंने सोचा अच्छा खैर कोई बात नहीं। मैंने फिर मार्केट में जाके मैंने पता किया क्या हुआ क्या हुआ। तो एक भाई मिले मुझे जो NGO में काम करते, उन NGO का नाम है विश्व युवा केंद्र, जो कि बनी नैली में है, जो ही अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। तो उन्होंने मुझे सब अरेंज करके दिया, उनसे मैं कुछ देर बाद आप लोगों को मिलाऊंगा सबसे, तो उसके बाद आप सबसे उनसे मिल सकते हैं। ओके, बाय गाइस। तो गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पर जहाँ पर स्टे किए थे, वहाँ से थोड़ा मेन रोड में जाना पड़ता है, तो थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर, लेकिन ठीक है, टॉर्च पकड़ के जाना पड़ रहा है।
ज़्यादा नहीं, 200 मीटर के अंदर ही है, घाट तक पहुँच जाएंगे। तो गाइस अभी पहुँच गए, अब आ गए। यहीं पर है, हम लोग स्टे कर रहे हैं। आप देख रहे हो थोड़ा मतलब खुला एरिया, और यहाँ मेरा साइकिल रखा हुआ है। साइकिल रखा हुआ है और अभी हम रूम जा रहे हैं। आगे रूम पे। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि बोइंडा में मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, बोइंडा से थोड़ा 5 किलोमीटर आगे, ये वो एक्चुअली जगह है। मैं कल रात को दिखा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा अंधेरा, पूरा ही अंधेरा था, यहाँ पर एक भी लाइट नहीं है। ये रहा मेरा साइकिल रखा हुआ उधर। एक्चुअली कि NGO का बिल्डिंग है, और ये जो ये मेरा रूम था, और ऊपर में एक तल्ला में भी सारे रूम्स है। ये जगह बहुत ही शांत है, इसलिए आप मेरा आवाज़ भी एकदम क्लियर सुन पाओगे। तो इधर आपको मैं दिखाता हूँ आगे जाके कि यहाँ पर भी कैसा था। हाँ जी, तो आप देख रहे हो ये एरिया ऐसा था, उसका बॉर्डर पूरा ऐसा है, रात को पूरा एकदम ही अंधेरा था। तो ये रहा उसका एरिया, और वो रहा मेन गेट जहाँ से हमने कल रात को एंट्री की। हेलो गाइस, पहुंच तो गया रेहताकोल में, तकरीबन 1:15 बजे पहुंचा। फिर लंच करने के बाद सबसे पहले गवर्नमेंट IB में गया, लेकिन वहाँ पूरा जगह फुल था। तो काफ़ी खोजने के बाद एक लॉज मिला, जो लॉज 500 पहले बोल रहा था, फिर उसको 300 में लेके आके फिर उसको हम बोले कि यार 300 में कर दो यार, एक रात का बात है, ऑल इंडिया टूरिस्ट भी हूँ यार। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया कर लीजिए। तो अभी है ये रूम, देख सकते हो छोटा ही रूम है, ज़्यादा छोटा सा कूलर है, लेकिन कूलर काम नहीं करता। तो अभी यहीं पर हूँ, उसके बाद कल सुबह मैं निकलूँगा, संबलपुर पहुँचूँगा। ओके गाइस, आते वक्त यहाँ पर जब भूख लगना स्टार्ट हुआ था 12:15 बजे से, तब एक भी ढाबा नहीं मिल रहा था। लाइन से लाइन 1-1 किलोमीटर के अंदर अंदर कम से कम 3 ढाबा पार किए, सब तीनों ढाबा बंद। उसके बाद मुश्किल से एक ढाबा मिला, और जो है कृष्ण राजस्थानी ढाबा ऐसा कुछ नाम है, और यहाँ पर अधिकतर राजस्थानी स्टाइल का खाना मिलता है। तो मुझे जो रोटी मिली है, इतना बड़ा मतलब कम से कम उसका जो डायमीटर होगा वो कम से कम आपका 30 सेंटीमीटर, मतलब 1 फीट का डायमीटर होगा। बड़ा सा बाजरे का रोटी था, और मोटा, इतना मोटा, कम से कम थिकनेस बहुत थिकनेस था। तो वो आदमी तो नॉर्मली एक ही खाता है, लेकिन हम 2 खाए तो सब मेरे को देख रहा था। तो हम 2 खाए उसको, क्योंकि मेरे को भूख बहुत लगा था। तो उसके साथ एक कुछ चटनी दिया था, तीखा चटनी एकदम, बहुत ही बहुत तीखा था, और एक प्याज दिया था, और उसके बाद आपका ये एक डाल दिया था जिसमें हल्का का मशरूम टाइप का कुछ था, लेकिन शायद आपको याद नहीं क्या था, वो देखे नहीं, पूछे भी नहीं। और आप देख सकते हैं, मैं ढाबा दिखा रहा हूँ आपको। ये सारे ऐसे घट मतलब राजस्थानी स्टाइल में, सिटिंग एरिया भी राजस्थानी स्टाइल का है। तो अभी यहाँ से हम संबलपुर जाएंगे,
20 किलोमीटर है, तो वहाँ जाके मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओके बाय। हेलो गाइस, संबलपुर पहुँच गया हूँ। काफ़ी थक गया हूँ आज, मतलब आज आते समय कम से कम 80% पूरा अप रास्ता था, तो फ्रेश वगैरह हो गया हूँ। और अभी अग्रसन भवन एक है, मारवाड़ी लोगों का एक भवन है, आश्रम है, वहाँ पर रह रहा हूँ। पेड है, मतलब मैंने कहा कि मुझे आज रहना है और कल रहना है, परसों सुबह निकल जाऊँगा, तो वो लोग टोटल 300 रुपीज़ ले रहे हैं। सो गुरुद्वारा में भी ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पर भी चार्जेस ले रहे हैं, वहाँ पर कुछ ज़्यादा चार्जेस था, इसलिए मैंने उसको छोड़ के फिर यहाँ पर देख लिया। बाकी सब तो और कुछ जो गुरुद्वारा मुझे नज़र नहीं आया जहाँ पर मैं रह सकूँ, जहाँ भी देख रहा चार्जेस है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन किया। सो यहाँ पर मैंने ऑप्ट किया क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा मतलब चीप था, तो मैंने इसको यूज़ किया। तभी रहूँगा यहाँ पर एक दिन और कल रहूँगा, और परसों निकलूँगा रायपुर के लिए। ओके गाइस। हेलो गाइस, अभी मैं संबलपुर में संवाद में जो इश्तिहार छपा है उसको तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन उड़िया में है तो एक अंकल मिले हैं मुझे। नमस्ते अंकल। ये इन मेरे लिए पढ़ेंगे, तो अंकल थोड़ा पढ़ दीजिए क्या लिखा है। साइकिल ने बुली बुली है देवशंती लोगों को विभिन्न प्रकार सचेतना वार्ता झारखंड जमशेदपुर अधिकार बरुआ सारा देश को साइकिल ने बुली सचेतना वार्ता देवाक बाहरी। जमशेदपुर 1 अक्टोबर से यात्रा आरंभ कर 2023 मार्च शेष करने को लक्ष्य रखिंट ओडिशार कटक भुवनेश्वर और पुरी पर शनिवार से संबलपुर पहुँची। संबलपुर उग्रसन भवन ठीक शनिवार से रात्रि यापन रही गोटे दिन विश्राम नापर पर रायपुर अभिमुखे जात्रा करेंगे। जातीय एकता विश्व शांति परिवेश प्रदूषण नियंत्रण जबरदस्ती बाल्य बह से लोकं सचेतन करवेश प्रदूषण दृष्टि रखी से साइकिल यात्रा करुवा कहते। जमशेदपुर YMCA भारत सेवाश्रम संघ लायंस क्लब रोटरी क्लब टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन LIC आदि संस्था एथपाई प्रयोजित कर। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, अभी मैं सोहेला से कम 20 किलोमीटर आगे हूँ, मतलब पीछे हूँ। वहाँ पर मैंने अभी लंच कर लिया है, ये देखिए खाली पड़ा प्लेट। और एक भाई मिले थे, सर मिले थे, वो बजाज के मार्केटिंग में काम करते हैं, उन्होंने आज मुझे खिलाया। वो यहाँ पर आने वाले थे लेकिन सोहेला से बहुत बारिश गिर रहा है इसलिए आ नहीं पाए। तो उनका नाम है गुरुचरण बेहरा, तो उन्होंने आज मुझे खिलाया है, तो उसके लिए मैं उनको थैंक यू देता हूँ। मैं उनको टैग भी करूँगा, आप सभी देख पाएंगे वो कौन है। वो चाहते थे कि साथ में खाए, लेकिन जो सोहेला पहुँच गए तो वहाँ पर बारिश बहुत हो रही है तो आ नहीं पाए। हम सोहेला से 20 किलोमीटर पीछे हैं, खाने बैठे थे, तो तभी उनका कॉल आया था, उन्होंने मेरा नंबर दिया था जब चलाते वक्त जब मैं आ रहा था वहाँ से संबलपुर से तब। तो थैंक यू सर, आप बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे खिलाया। और मैं चाहूँगा कि आपने जैसे मेरा हेल्प किया वैसे आप सभी का ऐसे कुछ लड़कों या कोई भी अगर जिसको ज़रूरत पड़े उनको भी खिलाइए। बहुत मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसा अच्छा काम करते रहें और आप सुस्त रहें अच्छे रहें। थैंक यू। हेलो गाइस, अभी मैं एक राजस्थानी ढाबा में हूँ, यहाँ पर सब राजस्थानी चाल होता है। और संबलपुर से लेके यहाँ पर कम से कम हमने 88 किलोमीटर कवर किया है, और यहाँ पर आज ढाबा में हम होल्ड करेंगे, आप ढाबा देख सकते हैं। और ये मेन रोड है, ये मतलब एकदम ही हाईवे है। मैंने फ्रेश फ्रेश होके एकदम नहा लिया, और अभी बारिश अभी भी गिर रहा है, बीच में से बारिश शुरू हुआ था सोहेला से,
तो अभी हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे, खाना खा के यहीं पर सो जाएंगे और सुबह फिर यहीं से खाना खा के निकलेंगे। तो यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा ढाबा में रुकने का। और ये एक हमारे भाई हैं जो ये आप क्या करते हैं यहाँ पर ढाबा में? हाँ नहीं, आप कैशियर है? हाँ कैशियर। अच्छा ये ढाबा में कैशियर है, ये सारे स्टाफ है? ये हमारा होटल है उड़ीसा में, राजस्थान के हम। अच्छा काम करते हैं। अच्छा तो कितने सालों से है सर? 10-12 साल से। 10-12 साल हो गए? अच्छा 10-12 साल हो गए यहीं पर रुक के। मैं कल सुबह कितने बजे नाश्ता मिल सकते हैं जब आप बोलेंगे ना? तब बढ़िया, तब यहीं से खा के निकल जाएंगे। चलिए धन्यवाद आप लोगों का। हेलो गाइस, अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और मुझे एक अलग से ऐसे मतलब दिया वहाँ पर, मतलब जो कैशियर जिस हिसाब से भेट वीडियो में देखे थे वो यहाँ सोते हैं, उनके साथ यहाँ पर सोने का मुझे ये बोला है कि यहीं पर सो जाए। तो यहाँ पर रहता है, यहाँ सब सामान मैंने रख दिया और यहाँ पर दूध थोड़ा लिया है, दूध पियेंगे तो अच्छा लगेगा। हेलो गाइस, छत्तीसगढ़ एंट्री कर चुके हैं।